चलो, आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? प्रोफेशनल एथिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12 से 15 नंबर गारंटीड है आना। 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे आएंगे, 4 नंबर से 5 नंबर के, और एक दो एमसीक्यू भी मिल सकता है, एक दो एमसीक्यू भी मिल सकता है। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और अपने को बस अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। ओवरऑल कहीं भी कुछ भी छूटे ना, इन द सेंस एक एक चीज अपने को यहाँ पे जिस लेके जानी है। इसका आंसर लिखने का भी सिंपल रहेगा, अपने को क्लॉज लिखना है, क्लॉज के बाद प्रोविजन, प्रोविजन क्लॉज लिखे, उसका जो एप्लीकेबल गाइडलाइन या सर्कुलर एक्स्ट्रा कुछ दिया है आईसीआई ने उसका, तो वो लिखना है, और प्लस लास्ट में कंक्लूजन विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अपन इसको देखेंगे एक बार। तुम लोग ने जो टेस्ट दिया है उसको मैं, आशना ने जैसे टेस्ट दिया उसका मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या आंसर लिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर मैं खोल लेता हूँ सामने। आंसर संदीप के आंसर एकदम परफेक्ट थे, है ना? और संचित तुम्हारे आंसर में काफी जनरल थे, मतलब पूरा जनरल था। अपन जो पूरा याद कर रहे पढ़ रहे हैं वो आया ही नहीं पेपर में, वो आना जरूरी है। अपन यहाँ पे टाइम दे रहे क्यों दे रहे हैं? अगर वो ही लिखना है तो वो तो जरूरत भी नहीं फिर इसकी, जो अपन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो जनरली लिखना है तो वो तो जनरल नॉलेज है ही अपने पास, है ना? जो अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जो स्पेसिफिकली उस आंसर से रिलेटेड याद भी कर रहे हैं, वो आना जरूरी है। जनरल पॉइंट्स नहीं चलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो इसका पहला आंसर क्या है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 1 था तुम्हारा उसका, कि सेल्स लेजर और कैश रिसीट को एक ही बंदे हैंडल कर रहा है, ऑफिशियल वाज हैंडलिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इश्यूएंस ऑफ डिलीवरी चालान, और एक वन मोर ऑफिसर वाज देयर टू हैंडल कस्टमर डेटर अकाउंट्स एंड इश्यू ऑफ रिसीट्स। तो इंटरनल ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली डिस्कस द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक। तो जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक लिखना था आशना यहाँ पे। ये सब इंटरनल कंट्रोल का ज्ञान ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बट इतना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल का ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपने को मेन जनरल कंडीशंस के पूरे पूरे पॉइंट लिखने थे। जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक के 8-9 पॉइंट्स याद किए थे, उंगली एक उंगली से 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट थे याद किए थे। नो सिंगल पर्सन शैल हैंडल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रोटेशन ऑफ ड्यूटी फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग एनी प्रीवियस नोटिस, इम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन, ये सब पॉइंट आएंगे ना तुम्हारे आए ना आशना तुम, ठीक है दो एक दो पॉइंट आए। उसके बाद अकाउंटिंग फंक्शन कस्टोडियल फंक्शन अलग अलग होगा, एसओडी वाला जो पॉइंट था, इन्वेंट्री चेकिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब पॉइंट्स कहाँ है? ये सब पॉइंट्स लिखोगे इसी के तो मार्क्स है। कंक्लूजन तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, वो तो कंक्लूजन लिखना ही है, एक एक पॉइंट वाइज लिखना है, वो भी पूरा जनरल नहीं लिखना है, एक एक पॉइंट वाइज लिखना है कि ये यहाँ पे अकाउंटिंग अनदर ऑफिशियल वॉज हैंडलिंग द सेल्स लेजर एंड कैश रिसीट्स विच वॉज नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड बिटवीन अमंग देम, दैट इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो वहां पे लिखना पड़ेगा तुमको देयरफॉर नो इंटरनल कंट्रोल। फिर सेकंड पॉइंट को भी लिख के बताना पड़ेगा कि दोनों सेम ही बंदा हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिखने हैं, जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक, एंड देन लास्टली पूछा कि डू यू थिंक दैट देयर वॉज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। तो सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क एसओडी का पॉइंट नहीं लिखना है, पूरा पूरा पूछा है ना जनरल, ब्रीफली डिस्कस क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक, पूरे सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये 5 नंबर का है तो तुमने सारे पॉइंट्स लिखे ही नहीं है आशना, तो भी कंक्लूजन सही है, और मोस्टली पॉइंट्स जो रेलेवेंट है वो 3 से 4 पॉइंट कवर्ड है, तो हो सकता है 3 नंबर दे दे, राइट? अगर सारे पॉइंट लिखते तुम तो 4 to 4.5 भी मिलता है, ऐसा नहीं है ऑडिट में काटती है मार्क्स, स्कोरिंग है। इसके बाद सेकेंड आंसर, ये कारों का चालू हो गया, कहाँ से चालू है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्वेश्चन नंबर जैसे देखोगे तो एएमसी एलएलपी इज न्यूली सेटअप एलएलपी, ऑपरेशन ऑफ एलएलपी हैज बीन पिकिंग अप। यहाँ पे बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट, बोल रहा है इट्स अकाउंट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड मैंडेटरी बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेशन, बट स्टिल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलेंटरीली। क्या वॉलेंटरी ऑडिट हो सकती है एलएलपी के केस में? वॉलेंटरी ऑडिट अलाउड है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के अंदर नहीं आ रही फिर भी तुम अपना ऑडिट कराना चाहते हो तो वॉलेंटरी ऑडिट एप्लीकेबल है। इसके रिगार्ड में मैनेजमेंट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स विच दे शुड कंसिडर, नॉट ओनली लिमिटेड, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑडिट, मतलब ऑडिट से रिलेटेड एप्लीकेबिलिटी वगैरह भी बताना पड़ेगा, बट ऑल्सो अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स
एज पर द रेलेवेंट लॉ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ क्या मेंटेन करना है, कैसा करना है, अपॉइंटमेंट का नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑडिट, मतलब ऑडिट के बारे में सब चीज बतानी है, ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बताओगे, ऑडिट की ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये सब बताना है। और उसके अलावा तुमको ये भी बताना है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द रेलेवेंट लॉस। क्वेश्चन की लाइन ध्यान से पढ़ो। अब देखो क्या लिखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट LLPs आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। कंपनीज एक्ट में LLP कहाँ से आ गया आशना? LLP रूल्स है, अपन ने पढ़ा था LLP का, LLP रूल्स पढ़े थे अपन ने कि कोई एंटर किया क्यों? हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपनीज एक्ट में LLP कहाँ से आ गया? ठीक है, LLP रूल्स है ना ये, तो LLP रूल्स में पढ़ा था अपन ने। मांग अगर रेफरेंस दे रहे हो तो करेक्ट रेफरेंस दो, वरना रेफरेंस मत दो तो भी ठीक है, रेफरेंस दे रहे हो तो करेक्ट रेफरेंस दो। यहाँ पे LLP रूल्स आएगा, LLP रूल्स 2009 था। फिर LLP आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अगर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख। पहली बार टर्नओवर ऐसा नहीं लिखना है, टर्नओवर पूरा पूरा लिखो। टेस्ट को सीरियसली लो, टेस्ट को एक्चुअल टेस्ट जैसा लो, और कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, तो ये ठीक है, इसका एक नंबर पक्का पक्का मिलेगा। LLP आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर ऑफ मेंबर बुक्स शोन ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो। ठीक है, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, इट शुड बी एज पर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। तो कौन सा लॉ है? यही तो है LLP रूल्स और रेगुलेशन में। ठीक है, एसेट शुड नॉट बी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, ये पॉइंट का रेलिवेंस कुछ है नहीं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ठीक है, एक था पॉइंट अपने इसमें LLP रूल्स में। इन द गिवन केस द कंटेंशन दैट LLP आर नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट इज नॉट करेक्ट। कहाँ से करेक्ट है? पहली बात तो कंटेंशन है ही नहीं मैनेजमेंट का, ये क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़े नहीं हो। क्वेश्चन का कंटेंशन क्या है आशना? तुमने ये कहाँ से निकाला कि कंटेंशन जो है मैनेजमेंट का कि ऑडिट नहीं कराना, ये कंटेंशन है ही नहीं। मैनेजमेंट तो बोल रही है कि हम ऑडिट कराएंगे, ऑडिट हमको एप्लीकेबल नहीं है, तो भी मैनेजमेंट बोल रही है कि हम वॉलेंटरीली ऑडिट कराएंगे। यहाँ पे तुम लिख रहे हो कंटेंशन दैट LLP आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड इज नॉट करेक्ट। मैनेजमेंट ये बोल ही नहीं रही पहली बात क्वेश्चन में, कहाँ से? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई, कैसे पढ़ रहे हो क्वेश्चन? पूरा करा कराया पूरा खराब हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन मैंने कितने बार बताया? दो बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो आंसर के ऊपर वाली लाइन है उसको ढूंढा करो, कोई भी आंसर के ऊपर वाली लाइन मिलेगी तुमको। यहाँ पे पूछ रहा है कंसीडर नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन बताओ, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर रेलेवेंट लॉस। तो तुमको दो चीज बतानी यहाँ पे, ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन बताना है, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन बताना है, बात खत्म। उसके अलावा तुम ये बता सकते हो कि क्या मेन आंसर आएगा? खैर वैसे ये तुमने यहाँ पे लिखा नहीं कि मैंडेटरी अकाउंट जो तुमने ऊपर बता दिया कि मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा अगर टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन वाली क्राइटेरिया ब्रीच होती है तो, लेकिन अगर मैंडेटरी ऑडिट नहीं भी एप्लीकेबल हो रहा है तो भी मैं वॉलेंटरी ऑडिट करा सकती हूँ, वॉलेंटरी ऑडिट करा सकती हूँ, और उस केस में मेरे को ऑडिट जो कराऊंगी वो एज पर सेम LLP रूल्स के अंदर जो ऑडिट कराती थी, यहाँ पे मैंडेटरी वाला वो सारे के सारे मेरे को लग जाएंगे। अगर मैं वॉलेंटरी ऑडिट करा भी रही हूँ तो मुझे सारे के सारे LLP रूल्स लग जाएंगे, ये पढ़ा हुआ है अपना, पढ़ा हुआ है वहां पे। तो ये सब पॉइंट्स आएंगे। ये तो पहले बात, तो क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ लिया है, कंक्लूजन पूरा रॉन्ग हो गया है, एक नंबर मिलेगा बस यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोविजन। कंक्लूजन गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन रीड गलत किया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो तो पढ़ा ही नहीं है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स विच दे शुड कंसिडर नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिट का ये आएगा तुम्हारा ये वाला पॉइंट। इसके अलावा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी तो बातें आएगी, कौन करेगा ऑडिटर को अपॉइंट, ऑडिटर ऑडिट से रिलेटेड बातें पूछ रहे वो। क्वेश्चन नंबर 8 कारो बोल रहे हैं, अब ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्जुन अपॉइंट हुआ था एंगेजमेंट पार्टनर 20 मैन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का, फिर ऑब्जर्वेशन हुआ उसका वन ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट टेकन ऑन अ लीज राइट ऑफ यूज एसेट सीवार लिमिटेड वॉज रिवेल्यूड 4 करोड़ से 4.5 करोड़ हो गया है। तो क्या 10% से ज्यादा था क्या यहाँ पे? रिवेल्यूशन अमाउंट 10% से ज्यादा था, 10 करोड़, 4 करोड़ से 4.45 करोड़ में रिवेल्यूशन हुआ, इसका मतलब 10 करोड़, 10% से ज्यादा अमाउंट रिवेल्यू हुआ है। नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट थी 4 करोड़, उसके बाद 4.45 करोड़ हो गई, मतलब नेट कैरिंग वैल्यू 10% से ज्यादा रिवेल्यू है। तो उस केस में अपन ने पढ़ा था कारों में क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रिवेल्यूशन एंड द चेंज, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रिवेल्यूशन और द चेंज। और 10% से ज्यादा हो या ना हो, मेरे को ये तो बताना ही पड़ेगा कि जो रिवेल्यूशन किया गया है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए। तो एज पर कारो 2020 पैरा 3 क्लॉज 1 फिक्स्ड एसेट
फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ द रिपोर्टिंग, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन डन इन रेगुलर इंटरवल, पूरा पूरा पॉइंट लिखोगे, प्रॉपर लैंग्वेज, थोड़ी लैंग्वेज सुधारो, इंक्लूड्स पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, मतलब इंटेंजिबल एसेट वाला इंक्लूजन वाला सेकंड पॉइंट था, लेकिन ऐसा पीपी यहाँ पे अलग से नहीं था, पीपीई एंड इंटेंजिबल नहीं, अलग से बोला था कि इंटेंजिबल एसेट का भी वेरिफिकेशन तुमको देखते रहना है, नॉट फिजिकल वेरिफिकेशन बट एनी कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आ रही, तो देन नीड टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ बोथ पीपी, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल यही पे तो था पहले पॉइंट में, यही पे तो अच्छे से लिखना था ना, फिजिकल वेरिफिकेशन डन इन रेगुलर इंटरवल, ये पूरा पूरा पॉइंट लैंग्वेज को देखो, थोड़ा ध्यान रखो, कारो इंपॉर्टेंट है, कारो की लैंग्वेज वाइज लिखना अपने को, और कारो की लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कि सिर्फ आंसर में लिखना बट एमसीक्यू में भी जब फंसाएगा तो लैंग्वेज ही तुमको काम आएगी, जब एनालाइज करना होगा क्वेश्चन में तो लैंग्वेज ही काम आएगी, तो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ लैंग्वेज के साथ प्रॉपर सही लिखना है, एंड देन रिवॉल्यूशन डन मोर देन 10%, ये कैसा लैंग्वेज हुई मोर देन 10%, अच्छे से लिखोगे प्रॉपरली, इन केस ऑफ रिवॉल्यूशन वेयर द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, मतलब यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू, मोर देन लिखोगे ना, मोर देन और इक्वल टू है पहली बात तो, और साइन सिंबल नहीं यूज होना है, प्रॉपरली अपने को लिखना है प्रॉपर अमाउंट, देन प्रॉपर्टी अमाउंटेड, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन डन मोर देन 10% ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड, क्या लिख रहे हो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रिवैल्यूड होगा शायद, क्या बता, बट ऐसा नहीं है, 10% ऑफ द प्रॉपर्टी का नेट कैरिंग वैल्यू था, नेट कैरिंग वैल्यू का 10% से ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा अगर रिवैल्यू हो रहा है तो यहाँ पे अपन को देखना था रिवैल्यूशन डन, प्रॉपरली लिखना है, एंड देन कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हुए तो उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बस इतना बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दीजिए, क्या बात हुई, एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी फाउंड तो बीओए, क्या बोलूं मैं बीओए को, क्या करूं बीओए का, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आ गई तो बीओए को क्या करूं मैं, भैया मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई तो बीओए और मैं प्रॉपरली अकाउंट फॉर होना चाहिए, करेक्टली अकाउंटेड फॉर होना चाहिए तुम्हारा रेगुलरली, पूरा पूरा लैंग्वेज लिखो ना साथ में, देन ये सब पॉइंट की पूरी जरूरत ही नहीं है, अच्छा ये कोई दूसरा आंसर है शायद, जो ऊपर में जितने तुमने पॉइंट्स लिखे हैं ना, जितने तुमने पॉइंट्स लिखे हैं उतने आंसर की, सारे आंसर की जरूरत नहीं है, बस मेरे को ये वाला आंसर चाहिए था 10% से ज्यादा वाला, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसको बोल रहा है, तो उसको बेस लेके पूरा पूरा अच्छे से उसी की लैंग्वेज चाहिए थी और उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन है रिवॉल्यूशन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है ये वाला पॉइंट मिल गया, तो सारे आंसर तो मिल गए, प्रॉपर्टी टाइटल डीड, ये टाइटल डीड वाला भी पॉइंट की जरूरत नहीं थी, प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड लीज प्रॉपर्टी बट इंक्लूड्स आरओयू एसेट, ये क्या बात हुई, आरओयू एसेट ही लीज प्रॉपर्टी होती है आशना, डज नॉट इंक्लूड लीज प्रॉपर्टी बट इंक्लूड आरओयू एसेट, तो आरओयू एसेट और लीज प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है मेरे को बताओ, तो आरओयू एसेट ही तो लीज प्रॉपर्टी है, तुम बोल रहे हो आरओयू एसेट को इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन आरओयू एसेट को इंक्लूड करोगी, आरओयू एसेट को इंक्लूड करोगे इन द केस ऑफ रिवेल्यूशन वाले पॉइंट के लिए, आरओयू एसेट को कब इंक्लूड नहीं करेंगे, जब मैं टाइटल डीड देख रहा हूँ, टाइटल डीड वाले के लिए दिया था कि आरओयू एसेट को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उस केस में स्पेसिफिकली तुमको बोला था कि टाइटल है ही नहीं टाइटल डीड अपने पास, तो हमारे पास आरओयू एसेट की टाइटल डीड नहीं है तो हम क्यों चेक करेंगे, तो उसी वहां पे एक्सक्लूजन है आरओयू एसेट्स का, बाकी रिवैल्यूएशन के केस में इंक्लूडिंग आरओयू एसेट है, यहाँ पे तुम बोल रहे हो डज नॉट इंक्लूड लीज प्रॉपर्टी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बट इंक्लूड्स आरओयू एसेट एंड बिनामी प्रॉपर्टी इफ इट्स इन डिस्प्यूट, बिनामी प्रॉपर्टी वाला पॉइंट की भी जरूरत नहीं है, हालांकि तुमने लिखा है तो पूरा पूरा अच्छे से लिखोगे, एंड देन लास्टली इन द गिवन केस बताओगे रजिस्टर वैल्यूअर एंड रिवॉल्यूशन डन मोर देन 10%, प्रॉपर बताओ, डोंट मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ व्हाट, नेट कैरिंग वैल्यू पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर रिलेवेंट क्लॉज ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, कारो 2020 पूरा पूरा प्रॉपर लिखोगे, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2020। पॉइंट बी क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंस्ट्रक्शन कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 5.5 करोड़ वॉज सेंक्शन, तो 5 करोड़ के ऊपर सेंक्शन होती है तो क्या करते हैं अपन, अगर कैश क्रेडिट लिमिट है 5.5 करोड़ की सेंक्शन है तो 5 करोड़ के ऊपर सेंक्शन होती है, तो उस केस में अपन को देखना पड़ता है कि वो सारे रिटर्न वगैरह जो फाइल हुए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सब था ना पॉइंट, अपन ने बताया था स्टॉक ऑडिट वाले जो रिटर्न फाइल होते हैं एमआईएस स्टेटमेंट, मैंने बताया था मंथली इन्फॉर्मेशन सिस्टम जाती है हर एंटिटी जो 5 करोड़ के ऊपर है तो उनको स्टॉक ऑडिट लग जाता है, तो वो लोग बैंकों को हर महीने या क्वार्टरली कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भेजते रहते हैं रिगार्डिंग देयर एसेट, करंट एसेट एंड देयर डेटर एंड देयर इन्वेंट्री क्रेडिट, तो यहाँ पे तुमको बताना है फिजिकल वेरिफिकेशन डन इन रेगुलर इंटरवल और नॉट, ओके सिचुएशन ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री प्रॉपर पूरा पूरा लिखो, सिचुएशन क्या, सिचुएशन मतलब इफ वर्किंग कैपिटल लर्न लिमिट इज सेंक्शन फॉर मोर देन 5 करोड़ वेदर कंपनी फाइल्स क्वार्टरली रिटर्न विद बैंक,
ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न वाला यही वाला पॉइंट था, शुड मैच इन मैच विद बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। ठीक है, मोटामोटी लैंग्वेज को थोड़ा सा और अच्छे से करना है अपने को। हियर इन द गिवन केस सैंक्शन लिमिट इज 5.5 करोड़, लेटर आफ्टर 6 मंथ्स रिवैल्यूड टू 4.5 crore, स्टिल द कंपनी नीड्स टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न एस क्या हुआ है, विच वॉज रिड्यूस टू 4.5 करोड़। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 5.5 करोड़ की लिमिट सेंक्शन हो गई थी और उसके बाद 4.5 करोड़ की लिमिट सेंक्शन हुई है बाद में। तो ये आशना सही बोल रही है कि 5.5 करोड़ की एक बार लिमिट सेंक्शन हो चुकी है ना तुमको, तो तुमको ये वाला क्लॉज लग जाएगा, ये वाले क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इवन तो आफ्टर इट इज वॉज रिड्यूस टू 4.5 करोड़ एट द ईयर एंड या आफ्टर 6 मंथ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर 5.5 करोड़ की लिमिट मेरी एक्सीड हो, 5 करोड़ की लिमिट एक्सीड हो जाती है सेंक्शन से, तो मेरे को ये वाला क्लॉज के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो डजेंट मैटर 5.5 से 4.5 करोड़ हो गई है तो राइट। तो ये वाले इसमें आंसर में तुमको आशना हो सकता है कि ये वाला अलग से 4 नंबर का है तो इसमें 3 out of 4 मिल जाए, और फिजिकल वेरिफिकेशन वाले में भी हो सकता है 2.5 to 3 मिल जाए। बट इररिलेवेंट चीजें लिखे हो, एग्जामिनर को कंफ्यूज गुमराह कर रहे हो, सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिलेगा, हो सकता है काटाकुटी चालू कर दे। मैं जैसे डीप में पढ़ रहा हूँ वो उसमें डीप में भी नहीं पढ़ रहा है, हैंडराइटिंग समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कई जगह कुछ अगर नहीं लग रहा है ठीक है, थोड़ी बहुत देख लूंगा मैं घुस के, लेकिन वो ऊपर ऊपर से उड़ा उड़ा के करते जाएगा, बस उसको दिखने चाहिए पॉइंट्स। देन इसके बाद अपन देखते हैं डेटा एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन था। डेटा एनालिटिक्स का क्या आया था क्वेश्चन तुम लोग को, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स याद है, प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स में काम आता है उसका, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट में काम आता है, रिस्क असेसमेंट में काम आता है, टेस्टिंग में काम आता है, ये सब पॉइंट थे। तो डेटा एनालिसिस के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में लिखोगे ठीक है, टूल्स एंड प्रोसीजर टू एक्सटेंड प्रोसीजर डेटा फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, रॉ डेटा आर यूज थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द ऑब्जेक्टिव टू अचीव इन्फॉर्मेशन इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। ओके, मैं दे सकता हूँ आधा नंबर। एंड देन ऑल्टर कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी डिफाइन स्कोप। गलत हो गया क्या, किसका आंसर है ये? आंसर दो आंसर थे डेटा एनालिटिक्स के अंदर, दो क्वेश्चन थे, ये वाला आंसर किसका लिख दिए, कौन सा आंसर लिख दिया इसने? डिफाइन द स्कोप एंड क्राइटेरिया डेटा एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, एक्सट्रैक्ट द डेटा, देन सोर्स को वेरीफाई करेंगे कि आप कंप्लीटली एक्सट्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, फिर अप्लाई करेंगे क्राइटेरिया एंड देन अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करेंगे। ये वाला आंसर जो था, पहली बार प्रॉपर लैंग्वेज आई नहीं इसमें भी, अच्छे से आंसर आना चाहिए था। और दूसरी बात, ये आंसर है ही नहीं एनालिटिक्स का, एप्लीकेशन का आंसर नहीं है ये उसके नीचे था क्वेश्चन, सजेस्ट द अप्रोच टू बी अडॉप्टेड टू गेट दी कैट का बेनिफिट। कैट का बेनिफिट लेने के लिए तुम क्या अप्रोच अडॉप्ट करोगे टू गेट द यूज ऑफ कैट, टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैट, वॉट शुड बी योर अप्रोच। अप्रोच वाला था कि क्या अप्रोच होगी तुम्हारी सो डेट यू कैन यूज द बेनिफिट ऑफ कैट्स, कैट्स का बेनिफिट के लिए अप्रोच वाला क्वेश्चन है। पूरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन समझे ही नहीं, गलत क्वेश्चन कर दिया, या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, या जैसा भी होगा। क्या पूछा था उसने, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एप्लीकेशन के ऊपर अपन ने अलग से 6 पॉइंट पढ़े थे, वो वाला आंसर आने थे। यहाँ पे तुमने लिख दिया सजेस्टेड अप्रोच, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, छोटा छोटा यहाँ पे आंसर आते हुए भी 4 का 4 नंबर पूरा गवा दोगे, 4 नंबर, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ 4 का 4 नंबर गवा रहे हो। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिंगल ऑडिटर कैन अपॉइंट ऑडिट। ठीक है, कंपनी ऑडिट वाला लिमिट था, इसका आंसर याद है मेरे को क्या आना चाहिए, पहला का आंसर 40 है ठीक है परफेक्ट, दूसरे का 16 14 10 परफेक्ट। ये वाले जो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर है इसमें ठीक है, इसमें लैंग्वेज नहीं भी डालोगे ना थोड़ी प्रॉपरली, थोड़ा सेक्शन का रेफरेंस कम भी हो गया तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर एज सच सीधा इसको देखने वाला है तुम्हारे आंसर आ रहे ना, जैसे यहाँ पे दिया है डायरेक्टली, थोड़ा सकता है थोड़ा और लैंग्वेज आ सकती थी, लेकिन ठीक है मैं 16 14 10 दिखूंगा टिक मारूंगा इस टाइप के आंसर में ठीक है, लेकिन बाकी में जहाँ लैंग्वेज चाहिए चाहिए, मतलब नहीं तो कटेंगे मार्क्स, क्यों बोलते हैं ऑडिट मार्क्स कम क्यों मिलेंगे, वरना आधे आधे क्यों कटते हैं, एक एक दो दो नंबर क्यों कटेंगे, क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज लिख रहे हो इसलिए कटेंगे ना प्रॉपर। जैसे अपन लैंग्वेज थोड़ी बहुत देख रहे हो उसको थोड़ा मिमिक करने की कोशिश करो, नहीं पूरी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो क्रिटिकल वर्ड्स है उसके आजू बाजू सी बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दोगे तो क्या होगा, जब तुमको पता है कॉन्सेप्ट कि बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली होना चाहिए, कम से कम इतना तो लिखो, एग्री एग्री विद बुक्स ऑफ अकाउंट या करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इतना ही लिख दो। ऑल्दो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा कुछ अलग लैंग्वेज हो, लेकिन सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दोगे, यहाँ पे भी थोड़ा और लैंग्वेज आ सकती थी, बट ठीक है यहाँ पे पूरे पूरे मार्क्स मिलते जाएंगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कैलकुलेटिंग द लिमिट 20 सर्टेन देन कंपनीज आर नॉट इंक्लूडेड, कौन कौन सी कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पीयूएससी, ये क्या है पीयूएससी, पूरा पूरा लिखोगे, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 100 करोड़ सिंबॉल नहीं, एंड देन इसका बचा हुआ आंसर का आ गया।
देन रियल टाइम इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन था, क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स, मैंने बताया था एमटीपी मे 19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, तो इसके क्रिटिकल आईटी ठीक है, रियल टाइम इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन देना है पहले, सबसे पहले दिया तो बोला भी था तुमको भी मैंने, रियल टाइम इन्वायरमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, उसके भी कुछ मार्क्स होंगे, एंड देन आईटी क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स का क्लासिफाई किया ठीक है, मिडिलवेयर एप्लीकेशन नेटवर्क हार्डवेयर परफेक्ट है, वेब सर्वर बोले तो क्या एग्जाम्पल लिखोगे, वेब सर्वर लाइक अपाचे आईआईएस फ्यूजन, चार नंबर से मैं इतने इतने के नहीं दूंगा, थोड़े बहुत हो सकता है फिर काट दूं, अगर इतना छोटा सा आंसर है और पूरा पूरा प्रॉपर नहीं आएगा तो हो सकता है मैं एक आध नंबर काट दूंगा, टेली ईआरपी ठीक है, वैन लैन वीपीएन एंड सर्वर स्टोरेज हाउस डिवाइसेस, ये सब तुम्हारे हार्डवेयर के आ जाएंगे ठीक है, परफेक्ट है, इसमें भी मिल जाएगा मार्क्स तो। एंड देन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन रिगार्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट का जो था क्वेश्चन, की कैप्टिव कंजम्पशन के लिए खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ आना नहीं, तुमको सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट आना है, एग्जेम्पशन जो प्रोवाइडेड है विद रिगार्ड टू कैप्टिव कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का, अगर तुम जनरेट कर रहे हो प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर रहे हो जनरेट कर रहे हो, तो तुम अगर कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हो उस केस में तुमको एग्जेम्पशन है, तो कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी लिख दिए, यहाँ पे भी सिंबॉल वगैरह के साथ लिखे हो, थोड़ा सा देखना है उसको, एक्सेप्शन दिया है एग्जेम्पशन दिया है, इसको एग्जेम्पशन बोलेंगे अपन, 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, या यूनिट ऑफ क्या लिखे हो एस एफ एल, अच्छा सेस सॉरी एस ई जेड यूनिट, एंड देन प्रोसीजर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन ठीक है, इसी का पॉइंट, इसी का आंसर चाहिए था, इसी का यही वाला पॉइंट चाहिए था, ऑफिसर वॉज हैंडलिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स डिलीवरी चलान अनदर ऑफिस वॉज हैंडलिंग, वो आंसर कहाँ गया, आधा आधा आंसर कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे हो गया ठीक है, ये वाला कौन सा आंसर है, ऑफिसर वॉज हैंडलिंग कैश, ओके हाँ ये प्रॉपरली पॉइंट वाइज लिखा है तुमने, यही यही बोल रहा था मैं, पॉइंट वाइज लिखना है, कंक्लूजन वन शुड डू प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड अपॉइंट डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर प्रॉपर वर्क फ्लो इन टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड अर्ली टू प्रिवेंट एंड अर्ली डिटेक्ट द फ्रॉड इन ईच स्टेट ठीक है, एंड प्रोपोर्शन प्रीमियम ऑफ कमीशन रिलेटेड टू री इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला याद कराया था मैंने, क्यों याद नहीं है, ये अपन ने याद किए थे, गोला बना हुआ था उसमें मैंने बाइफर्केशन किया था कुछ, तो इसका एक पॉइंट याद आ जाता सेक्टर वाइज, गोला से ओ से क्या याद आते थे, ओल्ड बैलेंसेस जो है क्या उसको राइट ऑफ क्यों नहीं किया, ओल्ड बैलेंसेस अभी तक क्यों रखे हुए हैं, रिटेन क्यों है, रीजन पूछो, राइट ऑफ अभी तक क्यों नहीं किया, ओल्ड बैलेंसेस के अगेंस्ट प्रीमियम कलेक्ट हो गए है ना, ओल्ड बैलेंसेस के चार पॉइंट थे, उसके अलावा ये सेक्टर एनालिसिस था तो सेक्टर एज वाइज एनालिसिस वाला पॉइंट था, उसके अंदर सेक्टर वाइज के अंदर अंदर अलग अलग सेक्टर किए थे अपने, बैंक गारंटी वाला एक पॉइंट था, तो उतने से ऐसे पॉइंट से याद किए थे, तो पूरे पूरे वो पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे ओल्ड प्रीमियम कट के कुछ पॉइंट नहीं मिले, कुछ आंसर नहीं मिलेगा इसको, ये यहाँ पे ये ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, ये क्या लिख रहे हो, ये मजाक में टेस्ट नहीं देना है, सीरियसली दो टेस्ट ठीक है ना, एंड देन रिलेटेड टू को इंश्योरेंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ प्रीमियम ऑफ कमीशन रिलेटेड टू री इंश्योरेंस बिजनेस, नहीं है एक भी पॉइंट रेलिवेंट नहीं है, एक भी पॉइंट रेलिवेंट नहीं है, यहाँ ये वाला पॉइंट आने थे इंश्योरेंस ऑडिट के, कमीशन वाले अपन ने किए थे गोला बना के, देन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, डन इन आर्म्स लेंथ प्राइस प्रायर अप्रूवल ऑडिट कमिटी और बीओडी और शेयर होल्डर इफ मोर देन 1 करोड़, नहीं भैया सिर्फ ऑडिट कमिटी का चाहिए, अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है डायरेक्टर वो भी, मैंने तुमको स्पेसिफिकली ग्रुप में भेजा भी था इसको चेंज कर लो, एनी एनी ट्रांजेक्शन है उस केस में, सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही, एनी ट्रांजेक्शन अगर अगर एनी ट्रांजेक्शन कर रही है कौन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर कर रहा है, जबकि कोई भी ट्रांजेक्शन करना है अगर कंपनी को तो कौन करता है, बीओडी, बीओडी का अप्रूवल लगता है ना कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है और उसको अकेला डायरेक्टर कर रहा है या एक दो डायरेक्टर कर रहे हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ बीओडी, उस केस में डायरेक्टर को ऑडिट कमिटी का अप्रूवल ले लेना चाहिए, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल नहीं लेता हूं मैं तो मेरे को विदिन 3 मंथ्स, अगर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ वाला ट्रांजेक्शन है तो विदिन 3 मंथ्स रेटिफिकेशन करवा लेना है, अगर मैं विदिन 3 मंथ्स रेटिफाई नहीं कराता तो ऑडिट कमिटी के पास ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने का, तो पहली बात ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट ही नहीं है, डन इन आर्म्स लेंथ प्राइस इसमें भी नहीं मिलेगा, मतलब रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट था लेकिन ये एनी ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट था, मैंने चेंज करवा के ग्रुप में भी डाला था, एनी ट्रांजेक्शन तो डायरेक्टर कर रहा है चाहे कंपनी किसके भी साथ करे, रिलेटेड पार्टी के साथ करे या अदर देन रिलेटेड पार्टी के साथ करे, अगर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ वाला है और ये ऊपर में दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन क्या था रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर से रिलेटेड वाले कहाँ का तुम क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ डिस्क्लोज करोगे, क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिटर सीक्स योर गाइडेंस ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एज पर एलओडीआर, तो याद है वो आखिरी पेज में चार्ट बना हुआ था जिसमें चार चार्ट निकले थे, एक था सेक्सुअल हरासमेंट वाला, एक था अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर क्या क्या डिस्क्लोजर है, एक बीच में था रिलेटेड पार्टी के सारे पॉइंट,
एक एक बीच में था ना कि 21 दिन के अंदर अंदर मेरे को वो बताना है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है 21 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो वाला पॉइंट था। प्रमोटर या उससे ज्यादा, अगर तुम प्रमोटर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वो प्रमोटर की होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है तो वो वाला पॉइंट आएगा, उसके साथ डिस्क्लोजर देना। साइन करेगा सीईओ और सीएस, सीएस या सीईओ साइन करेगा वो कंप्लायंस रिपोर्ट को, वो सारे डिस्क्लोजर वाले पॉइंट्स थे चार्ट के अंदर, वो सारे के सारे आंसर आएंगे यहाँ पे। उसके अलावा संदीप ने पूरे पूरे पॉइंट्स लिखे थे ये एग्जैक्ट, बट मैंने बताया था चेंजेस आए, अमेंडमेंट आया उसके नीचे अमेंडमेंट्स वाले पॉइंट थे, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड और एक दो पॉइंट थे, वो भी एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाने चाहिए। अब चूंकि ये क्वेश्चन पुराना है तो हालांकि सजेस्टेड आंसर में एग्जैक्ट वही आंसर है, बट अगर फिर से आता है तो वो दो पॉइंट भी नए नए आएंगे ना, तो क्वेश्चन समझे ही नहीं है, प्रॉपरली लिखे ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मार्क करो, कीवर्ड जो क्या है क्वेश्चन का, गाइडेंस ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और एक एक चीज जब तुम पढ़ रहे हो तो ऊपर की हेडिंग देखो ना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वहां पढ़े ही नहीं है जो यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। ऑडिट कमिटी अप्रूवल की बात हो रही है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है तो ऑडिट कमिटी के पास वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमिटी, वो वॉइड कर सकती है अगर 3 महीने में रेटिफिकेशन नहीं कराई। ये सब प्रोविजन था, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड भी नहीं था, ये तो ऑडिट कमिटी से रिलेटेड था, जबकि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जहां जहां जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा एक जगह कंसोलिडेट किए थे अपन ने आखिरी पेज में चार्ट में, वो वाले पॉइंट आने थे, इसमें भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड देन डज यू एबीसी एंड कंपनी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन 60 प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल इन देम, ये वाला वो आंसर कंटिन्यू हो गया, ठीक है, वो जो कंपनी ऑडिट वाला चल रहा था। एंड इन आउट ऑफ 45 कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ का, तो 45 में से मैं 40 एक्सेप्ट कर सकता था, तो 45 में से 5 को रिजेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, 40 को एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं। दस इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट 5 ऑडिट आउट ऑफ दोज 45 एज द मैक्सिमम नंबर लेफ्ट विद द फर्म इज 40, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दो स्मॉल कंपनी थी, एक डोरमेंट कंपनी थी, उसको उसके बारे में भी बताओगे कि दो स्मॉल कंपनी का भी मैं अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ, एक डोरमेंट कंपनी का भी अपॉइंट हो सकता हूँ। अगेन लास्ट में फिर से चौथा जो क्वेश्चन था अलग है ना, वो अलग से पूछा था, तो तुमको पूरा पूरा बताना है, ऑल्दो ऊपर में तुमने प्रोविजन स्टेट कर दिया होगा लेकिन कंक्लूजन अच्छे से करोगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक 5 मिल जाना चाहिए, बेस्ड ऑन डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था इसीलिए, वरना लैंग्वेज अगेन प्रॉपर नहीं है। और आखिरी में कंक्लूजन, ये वाले पॉइंट का भी, फोर्थ वाले पॉइंट का भी कंक्लूजन प्रॉपर नहीं है, पूरा 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 पर बताना। अगर उसने पूछा है कि मैं इतने इतने कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता हूँ, दो स्मॉल कंपनी, एक डोरमेंट कंपनी और 45 प्राइवेट कंपनी जिसका 110 करोड़ है पेड अप शेयर कैपिटल, तो ठीक है 45 के लिए तो तुमने बता दिया कि मैं 40 ही कर सकता हूँ, इसका कौन बताएगा? दो स्मॉल कंपनी और एक डोरमेंट कंपनी में हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, कौन बताएगा? हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, कटेंगे ना मार्क्स। देन रिस्क बेस्ड ऑडिट इज टाइप ऑफ ऑडिट वेयर द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क आर अप्लाइड विद द रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में लिखा है, ठीक है। रिस्क बेस्ड ऑडिट के 3 फेजेस थे, उसका 3 नंबर था, रिस्क असेसमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, प्रॉपर वर्डिंग देखो, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, एंड लास्टली रिपोर्टिंग, ठीक है 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। देन स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट फेज के अंदर अपन ने देखा था अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड रिस्क रिलेटेड, प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंड करना एंटिटी को, करना था अंडरस्टैंड, ये क्या है, लाइकलीहुड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क, हाँ ये एक वाला पॉइंट था। इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इंटरनल रिस्क इज द कंट्रोल रिस्क, इवेल्युएटिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज टू इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क, एग्जामिनर तुम बोल रहे हो कि उसको सजेस्टेड आंसर नहीं मिलना चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्टिवली खुद के यूज से कर रहे, लेकिन हो सकता है वो सीए ऑडिट ही नहीं कर रहे, वो टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे इतने सालों से, कैसे चेक करेगा? वो तो है ही ना, इवेल्यूएशन चल रहे होगा बोल रहे, लेकिन होना है, हो ही नहीं रहे, वो तो अलग बात हो गई, वो तो सजेस्टेड आंसर नहीं मिलेगा। मैं ऑडिट तुमको बोलूंगा कि 6-10 साल बाद तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑडिट नहीं कर रहे हो, क्या तुमको पॉइंट्स याद रहेंगे? प्रैक्टिकली होता क्या है, जरूरी नहीं है ये भी, ऐसा नहीं है जरूरी। तुम ऑडिट कर रहे हो, मान लो प्योरली लिस्टेड एंटिटी का तुम देखते जाते हो ऑडिट, उस केस में लिमिटेड रिव्यू का ज्यादा काम है तुम्हारे पास, रिस्क बेस्ड ऑडिट वगैरह ये सब ठीक है, हो सकता है अप्लाई नहीं किया जाता हो लिमिटेड रिव्यू में, कई जगह अब आरबीआई जैसा कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गए, वो अलग हो गया कि सजेस्टेड आंसर सामने वाले के पास नहीं होना, सजेस्टेड आंसर तो होना जरूरी है, बट उसको समझना चाहिए कि हाँ कॉन्सेप्चुअली वो ही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, थोड़ा तो वो उतना होना चाहिए बट उतना नहीं रहता है, उसको उतना याद नहीं रहेगा ना, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जो होना चाहिए वो छोड़ दो, जो अपने को करना है वो अपने को देखना है यहाँ पे। रिस्क बेस्ड ऑडिट में यहाँ पे तीनों रिस्क बेस्ड ऑडिट के 3 स्टेप सही है, एकदम 3 में 3 मिल जाएंगे, 4 पॉइंट में यहाँ पे जो आंसर लिखे हैं, तो अपने का जो रिस्क बेस्ड ऑडिट का फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट फेज रिस्क असेसमेंट वाला, उसके अंदर अपने को क्या करना था,
मैंने बताया रिस्क असेसमेंट के पहले सबसे अपने को देखना है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करे या ना करे, क्लाइंट एक्सेप्ट और कंटिन्यूस प्रोसीजर देखना था ना, मैंने बताया था ऐसे 220 के अंदर, फिर उसके बाद ऐसे 300 में प्लान करेंगे ओवरऑल, फिर प्रॉपरली रिस्क असेसमेंट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट का एक पॉइंट मिलेगा, और फिर रेलेवेंट कंट्रोल प्रोसीजर लगाएंगे, इंटरनल कंट्रोल को देखना है, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क देखने के लिए ठीक है, और थोड़ा सा आ सकते थे आंसर के करीब, मतलब जो ऐसा लिखा है अपन ने क्या पढ़ा था कि रेलेवेंट कंट्रोल प्रोसीजर देखना है अपने को, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कंट्रोल प्रोसीजर है वहां पे और उसका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर भी ये ओवरऑल ठीक है, एंड देन इवेल्युएटिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल रिलेटेड वेयर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अच्छा उसके पहले वो तो रिस्क बेस्ड ऑडिट के भी पहले ना, रिस्क बेस्ड ऑडिट के पहले जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं है ये अलग से, आरबीए के अंदर घुस के पूछ रहे ना पहले फेस को बताओ क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है मोटा माटी चार ही पॉइंट लिखे हो, पहली बात तो तुमको कम से कम 7 से 8 जितने पॉइंट दिए है, हाँ और लिखे हो हाँ, असेसिंग द रोमम स्पेसिफाइड कंसिडरेशन जहाँ मैनेजमेंट का टेंशन लगेगा, इन्फॉर्मिंग मैनेजमेंट एंड DCWG डॉक्यूमेंट असेसिंग रिस्क ऑफ फर्दर प्रोसीजर, ठीक है ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर्ड है, एक हाथ दो पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे रेलेवेंट नहीं दिख रहे, रिस्क फॉर फर्दर प्रोसीजर था क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के लिए ऐसा कोई पॉला, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट नहीं था बट ठीक है उसको लास्ट में लिखो, तो मोटा मोटी 4 में 3 तो मिल ही जाएगा इसमें भी, तो अकॉर्डिंगली इवेल्युएट कैलकुलेट कर लेना, समझ जाओ कैसे करना है अपने को परफॉर्म, जो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आंसर दिख रहे हैं जो अपन ने याद कर रहे हैं उसको मिमिक करना है, कोशिश करना है, अगर जनरली लिखना है तो यहाँ पे अपन नहीं बैठना है अपने को फिर, ठीक है ना, वो अपन फिर घर में कर सकते हैं आराम से, घर में भी नहीं करने की जरूरत है उसके इसमें तो। हाँ हाँ मोस्टली मैं बताया ना वो वाले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो कॉमन प्रोविजन आ गई उसके बाद तुम्हारे जो मेन ऑब्जेक्टिव आंसर है वो चल जाएंगे एज सच, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर वो थ्योरेटिकल होता थोड़ा सा, थ्योरेटिकल अगर थोड़ा सा भी होता कि इन द सेंस तुमको बोलना पड़ता कि क्या इसमें एप्लीकेबिलिटी येस और नो, अब वापस से बताओ क्या अगर ये चेंज कर रहे तो येस और नो, उस केस में जैसे दो दो क्वेश्चन है जिसमें सेम प्रोविजन लगेगा फिर भी सजेस्टेबल, यानी रिकमेंडेशन क्या होगा कि दोनों आंसर लिखते टाइम दोनों दोनों प्रोविजन एक बार थोड़ा सा ब्रीफली वापस से मेंशन कर दो, इवन दो यू आर मेंशनिंग द कॉमन प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में तो नॉर्मली करेक्ट हो ही जाएगा, जैसे इस बार के क्वेश्चन में आया था एलओडीआर वाला एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन था, सब 5 पॉइंट थे उसके अंदर, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन सी क्वेश्चन डी क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए में था क्या तुमको ये एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो तुमने ठीक है लिख दिया, थोड़ा बहुत लैंग्वेज नहीं भी है प्रॉपर उसके, इसमें आखिरी में अल्टीमेटली वो यही ढूंढ रहे कि तुमने प्रॉपरली करेक्ट आंसर लिखा है कि नहीं, एप्लीकेबल और नॉट, लिमिट इतनी थी तो क्या हुआ कि नहीं हुआ, वो आंसर वो वाला ढूंढ रहे प्रॉपरली उसको बेसिस में वो चेक करके पूरा 5 में 5 मिलेंगे उस टाइप के आंसर में, लेकिन जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है उसके केस में तुमको लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी, थोड़ा और ओवरकम करना पड़ेगा सो डेट 5 में वो 3 ना दे, कम से कम 4 साढ़े 4 दे, यहाँ पे वो हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉपर नहीं देखे, माथा मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पता है मेरे को कि मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ी अधूरी कटी कुटी लैंग्वेज को भी, वो अधूरी कटी कुटी लैंग्वेज को नहीं समझ पाया तो कटी कुटी को पूरा काट देगा वो, ठीक है ना, तो आधा का आधा भी नहीं मिलेगा, हो सकता है 0 मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा सा और वर्क ऑन करना पड़ेगा, राइट। टेस्ट अपना अब इसके बाद जो होने वाला था कल उसको अब मैं करूंगा पूरा क्लास खत्म होने के बाद, तीनों टेस्ट यानी एक टेस्ट और जो बचा है और कल वाला टेस्ट, दोनों टेस्ट एक साथ लूंगा क्लास होने के बाद खत्म, पूरा बैच को जो कंप्लीट हो जाएगी अपनी 4 दिन बाद, उसके बाद दोनों के दोनों टेस्ट एक साथ देना है वापस से, और अल्टीमेटली उसके बाद फुल टेस्ट जब वापस से एक बार रिवाइज करोगे खुद से तो एक बार फुल टेस्ट देना है, ठीक है, और मेरे को पूछ रहे थे कि लास्ट डे का कैसे करना है, लास्ट डे डे वन लास्ट डे रिवीजन जो होगी वो कैसे करना है, उसके लिए अभी से वर्क ऑन चालू करना पड़ेगा, आखिरी दिन नहीं है, आखिरी दिन तो नहीं है, पहली बात तो आज से चालू करना पड़ेगा, दूसरी बात एक एक इंडेक्स के बाजू एक एक पॉइंट्स के बाजू तुम्हारे पास
टाइम नोटिफाइड होना चाहिए, टाइम कितना लगना चाहिए मेरे को इस चैप्टर में, इतना पॉइंट देना है एलओडीआर में, मेरे को आधी पौन घंटा होना चाहिए तो उतना ही होना चाहिए। बैंक ऑडिट में 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, एक बार खुद से जब रिवाइज कर रहे हो तो नोट करो कितना टाइम लगा तुमको, कितने टाइम और कम में कर सकते हो, उतने टाइम में ही होना चाहिए। ये मेन स्ट्रेटेजी होगी कि अपने चैप्टर के बाजू लिख के रखो कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, वरना कोई होश ही नहीं रहेगा एग्जाम डे में, कितना टाइम किसको जा रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे को चालू कर दिया तो ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है ना। एक 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 ऐसे ऐसे वाइज होना चाहिए। 210 को मेरे को 8 मिनट देना है या 7 मिनट देना है, 210 इतना छोटा सा स्टैंडर्ड है, 6-7 मिनट में हो जाएगा, उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आखिरी में 6 मिनट भी नहीं लगेगा। 220 को कितना देना है, 240 बड़ा स्टैंडर्ड है, मेरे को हो सकता है 17 मिनट देना है। एक एक मिनट का हिसाब किताब होना चाहिए पहली बात, फॉर लास्ट डे रिविजन, तब जाके हो सकता है तुम पूरा पूरा रिवाइज कर लो। दूसरी बात, रिविजन अभी से चालू करोगे मल्टीपल टाइम्स, तब जाके लास्ट डे के लिए कैपेबल होगे कि पूरा रिवाइज कर पाओ एक साथ। और आखिरी में अपना कुछ ऐसा होगा कि मैं बताऊंगा बाद में भी, लेकिन अपन ऐसे को आखिरी में उठाते हैं, आखिरी दिन के रात के पहले, मतलब जो एग्जाम डे है उसके एक रात पहले वाली जो है 12, 11, 10 बजे, जब तक भी तुम जगते होंगे 1-2 बजे जैसा भी जो भी है, उसके एक लास्ट डे 3-4 घंटा उठाते हैं और एग्जाम डे उठाते हैं फिर। क्यों? क्योंकि ऐसे थोड़ा फ्रेशली रिवाइज करके जाओ तो फ्रेशली दिमाग में रहता है, मैं ऐसा करता था। और दूसरी बात, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के चैप्टर है जैसे पीई हो गया, एलओडीआर हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया, उसको उसी दिन खत्म करना है जिस दिन आ रहे हो। पीई, एलओडीआर, कंपनी ऑडिट, ये 3 चैप्टर मेन फोकस करना ही रहता है कि आ रहे हो 5, 5:30, 6 बजे तो 6:15, 6:30 बजे भिड़ जाना है ऑडिट में, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, 10-15 मिनट हो गया फ्रेश हो गया खत्म। ऑडिट जैसा लेंथी वास्ट है सब्जेक्ट, उसमें टाइम नहीं मिलने वाला, एक दिन का है तुम्हारे को इस बार भी छुट्टी, तो तुरंत भिड़ना है 6:15, 6:30 से, और उसके बाद 12:30, 1-2 बजे तक टारगेट लेना कि मेरा पीई, एलओडीआर, कंपनी ऑडिट कम से कम हो, पीई, एलओडीआर, कंपनी ऑडिट एक बार रिवाइज हो। अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा सा स्ट्रेच करो और अगले दिन फिर से थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लेना, अगले दिन उठते साथ ही 1-2 घंटा उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। क्वेश्चन वाइज नहीं भी हो रहा है तो तुमको मैं बोल रहा हूँ पहले चैप्टर वाइज हो जाए कम से कम। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन वाइज समरी दिया हुआ है अलॉन्ग विद द चैप्टर जो अपन आज चालू करेंगे, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, तो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के साथ ही क्वेश्चन की भी समरी देते गई है, वन लाइन में क्वेश्चन, गिल्टी, यस और नो, और आंसर क्या होगा इसका, तो वो तो होगा ही होगा तुम्हारे साथ, अगर तुमको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी रिवाइज करते रहना बीच बीच में। तुम अपना की मार्क कर लो, कौन सा क्वेश्चन देखना है कौन सा क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी से तुमको मार्क करके रखना पड़ेगा। लास्ट डे में कंपाइलर के कितने क्वेश्चन देखने, मेरे को पूरा पूरा क्वेश्चन देख नहीं पाओगे। पी के मैंने 110 क्वेश्चन रखे थे, उसमें से कल मैंने कुछ क्वेश्चन हटाए क्योंकि वो रिपीटेटिव है, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन में जो इंक्लूडेड है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने हटाए, तो भी तुमको दिखेंगे 110 ही, बट मैंने कुछ क्वेश्चन अब हटा दिए, बट है तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, तो तुमको मार्क करने पड़ेंगे 7, 5, 6 क्वेश्चन कितने देख के जाने तुमको, एक बार की, इस बार की एमटीपी देख के जाना है, पिछले बार की आरटीपी देख के जाना है। लास्ट डे मैंने क्या बताया, ऐसे करोगे 4 घंटे पहले से चालू करोगे, और लास्ट डे में क्या करोगे, ऐसे करते जाओगे, ऐसे खत्म होगा तुम्हारा 10, 10:15, 10:30 बजे तक, और उसके बाद 1 घंटा तुमको आरटीपी को रिव्यू करना है वापस से, और इस बार की एमटीपी, पिछले बार की आरटीपी और इस बार की एमटीपी, पिछले बार की आरटीपी और इस बार की एमटीपी, इस बार की आरटीपी को हो गया तो अभी रिव्यू करके रख लेना, एग्जाम डे में जरूरी नहीं है देखना पिछले बार की आरटीपी इस बार की एमटीपी, लेकिन जरूरी है, एक ना एक क्वेश्चन उधर से आ सकता है, ठीक है। वापस से ऐसे चालू किए तो 10:30, 10:30 तक छोड़ के आरटीपी को पकड़ना है, आरटीपी पकड़ के पिछले बार की आरटीपी, पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी और इस अटेम्प्ट की एमटीपी को करना है, गो थ्रू करना है। और मैंने क्या बताया, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, एलओडीआर को कोशिश करना है फर्स्ट डे आने के बाद हो जाए 1-2 बजे तक, और अगले दिन वापस से थोड़ा रिव्यू वगैरह रिवाइज करके, रिव्यू करके एंड क्वेश्चन वगैरह देख के अपन वापस से 9-10 बजे तक दूसरे चैप्टर पे जंप करने के लिए रेडी हो जाए अदर ऑडिट्स के लिए। और फिर उस केस में अदर ऑडिट्स, इंश्योरेंस, पीएसयू, एनबीएफसी, बैंक ऑडिट, ये सारे चैप्टर अपने को अच्छे से कवर करके अपना हो सकता है, ठीक है। उस केस में अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार थोड़ा सा मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे वीडियो डले हुए तुमको देखना है तो उसको भी फटाक से एक बार देख के तुरंत एक बार देखो, 25 मिनट का वीडियो अगर ऐसे 300 बंद रखा उसको 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में एक बार रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद 10 मिनट तुम खुद रिव्यू करो, ऐसा 2 बार करो, कम से कम 2 बार करोगे एक बार तो 315 बैठ जाएगा अच्छे से, उसके बाद तुमको रिवाइज करने में 10 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, 10-15 मिनट से ज्यादा, तो वो लेके आना है। हर एक चीज के बाजू तुम्हारे पास टाइम स्टैम्प होना चाहिए कि किसको कितना चैप्टर को किस ऐसे को कितना टाइम लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्टली एग्जाम डे के लिए मैं अलग से वापस से बताऊंगा ही, जैसा ये अभी बताया, ऐसे को लास्ट में लेना, पी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के चैप्टर है जो याद रहते हैं उसको शुरू में ले लेना, और बीच में तुम्हारे जो बीच में जो हॉलीडे है उसमें अदर ऑडिट्स और बाकी चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया अपना, 8:15 हो गई है, अब अपन चालू कर लेते हैं क्या प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर, आज अपने को पूरा पूरा कंप्लीट करना है, राइट। तो ये मैं आज ना तुमको दे देता हूं फाइल।